जेड़ा इंसान दुनिया ते रह के उस खूबी नू अपना लैंदा, अल्लाह पाक उस इंसान दे इर्दा गिर्द दुनिया आखरत दिया भलाइयां नू कठियां कर देंदा। वह खूबी ये वे सहाबाई कराम दिलां दे बड़े पकीजा सन, दिलां दे बड़े सहाबा दे दिल हर वक्त मुहब्बते इलाही नल शरसार, खौफे खुदा तो मुजयन, ऐसे निखरे और पकीजा दिल अल्लाह पाक ने सहाबा नू दिते सन कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे कई मुकामात ते सहाबा दे दिलां दा तज़करा फरमाया। और भाइयो, साडे अंदर और सहाबाई कराम दे अंदर एक बुनियादी फर्क ए वे, सहाबाई कराम दी बड़ी खूबी ए सी कि उन्हां दे दिल हर वक्त मुहब्बते इलाही, खौफे खुदा और आखरत दी तैयारी अंदर रहिंदे सन। साडे अंदर बड़ी खामी ए वे कि साडे दिल दुनिया दे शुबहात शाहवाद दे अंदर अटके रहिंदे ने, बाज़ाहर नेकियां कर्म दे बावजूद असी छोटियां छोटियां बातां नू दिलां अंदर बिठा के कुड़दे रहिंदे आ, कदम कदम ते साडे दिल बदलदे रहिंदे ने, नफरतां कदूरतां हसद बुगज कीना ये साडे दिलां दे अंदर भरिया जा चुकिया है। आओ भाइयो, हर हाल अंदर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी तरह अपने दिलां दा रुख अल्लाह उन्दे रसूल वल करो, एक कामयाबी दा राज है। अल्लाह जुल जलाले वाले इकराम ने सहाबा इकराम दे दिलां दे सच्चे मुहब्बत दे जज्बात देख के सूरा फतह अंदर अल्लाह पाक ने सकीनत नाजल फरमाई, सूरा हुजरात अंदर अल्लाह पाक ने सहाबा दे दिलां दे तकवे दा इम्तिहान लिया, तकवे दे पेपर अंदर सहाबा इकराम 100/100 नंबर लैके पास हो गए। अल्लाह पाक ने फिर सर्टिफिकेट दे तौर ते अपनी रजा खुशनूदी अता फरमाई, फरमाया मेरे महबूब लाहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, ऐ तेरे सहाबा तेरे यार चल दे मक्के मदीने दियां गलियां अंदर, मैं अल्लाह पाक ने मगफरत ते अजर दियां डिगटियां इन्हां दियां जेबा अंदर पा छड़ियां ने। और भाइयो आओ, अगर मैं तुहाडे कोलों अपने कोलों सवाल करना, अगर अल्लाह पाक मेरे तुहाडे दिलां दा इम्तिहान लै लै, क्या असी पास होवांगे कि फेल होवांगे? क्यों जी, सोचण वाली बात है कारी साहब, क्या असी पास होवांगे या फेल होवांगे? आओ, अगर मगफरत दी डिग्री चाहते हो फिर सहाबा इकराम दी तरह अपने दिलां दा रुख अल्लाह उन्दे रसूल वल करो। हालात जैसे भी होण, अमीरी होए तां गरीबी होए तां जमीन दी तह होए तां ताजो तखत दी बुलंदी होए तां तंग दस्ती फाके बीमारी होए तां हर हाल अंदर अपने दिलां दा रुख अल्लाह उन्दे रसूल वल करो। हालात दे बदल जाण नाल दिलां दा बदल जाना और अल्लाह उन्दे रसूल दी मुहब्बत तो खाली हो जाना, ये नकामी नकामी है, हलाकत ही हलाकत है। अल्लाह पाक ने सहाबा दे दिलां नू देखिया बड़े दिन नशीन अंदाज नाल, फिर अल्लाह पाक ने सहाबा दे दिलां दा तज़करा कुरान पाक अंदर फरमाया। आओ मुहब्बत नाल कुरान सुनो, अल्लाह साढ़े दिलां नू कुरान दे नूर नाल मुनव्वर फरमाए, आमीन कह दियो। अल्लाह ये बंजर जमीन कुरान दी रोशनी नाल आबाद हो जाए, शराब हो जाए। आओ कुरान, अल्लाह पाक फरमांदे ने कायनात दे लोगो, मेरे महबूब पैगंबर वाला
لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. सोनिया मैं अल्लाह पाक ने तेरे सहाबा दे दिलां अंदर ईमान दी मुहब्बत नू पैदा फरमा दिता है। मैं रब्बुल आलमीन ने तेरे पैगंबर दे सहाबा नू दिलां नू ईमान नाल मुजय्यन कर दिता है। इन्हां दे दिलां विचों हसद बुगज कीना ये मैं दूर कर दिता है। ये राशिदुल ने ये फाइजुल ने ये मुफल होने ए मुत्ताकूल ने ए मेरे पाक पैगंबर मैं तेरे सहाबा दे दिलां ते ईमान लिख दिता। लिखिया किथे आ उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सोनिया मैं अल्लाह पाक ने तेरे सहाबा दे दिलां नूं ईमान दी सुरखी नाल मुजय्यन कर दिता है। और एक बात होर नोट फरमाया जे बड़ियां बड़ियां तंगियां फाके आ गरीबी होए ना गरीबी गौर करिया जे गुरबत दे दिनां अंदर बंदे दा दिल मेहनत मजदूरी मालो मिता दे अंदर इन्ना लगन हो जांदा आंदा हर वेले मेहनत मजदूरी करा और इंदा दिल अल्लाह उंदे रसूल दी मुहब्बत तो खाली हो जांदा। अगर मुआशरे का सर्वे किया जाए तो देखो गरीब बंदा इन्ना मेहनत मजदूरी अंदर दिल लगा बैंदा है ना अल्लाह की फिक्र ना अल्लाह के रसूल की फिक्र ना नमाज की फिक्र ना कुरान की तलावत की फिक्र ना जकार की फिक्र। लेकिन इंदे बारकत साबाई कराम बड़िया बड़िया तंगियां देखिया बड़े बड़े फाके देखे बड़िया बड़िया मुसीबत आईया बड़िया बड़िया आजमैशा आईया। लेकिन साबाई कराम नेकी तो पिछे हटे अल्लाह उनके रसूल की मुहब्बत उन्होंने दिलों से कम नहीं हुई। मैं तकरीर नहीं तुहानू अपने आप में एक नसीहत करनी चाहना गौर फरमाना। अगर अज दे गरीब तो गरीब इंसान का तकाबल मुकाबला साबाई कराम दे गरीबी नाल कीता जाए अज का गरीब इंसान शहजादियों वाली जिंदगी बसर कर रहा है। लेकिन नबी पाक दे यार इन्ने फाके ना उन्होंने कमीज पाने वास्ते मिलती है ना पैरां च जुत्ती पाने वास्ते लभदी है ना सिर ते टोपी लैण वास्ते मिलती है ना खाण वास्ते खाना मिलता है। लेकिन फिर भी जदों मेरे पाक पैगंबर ने बुलाया ओ नेकी वास्ते बुलाया दीन वास्ते बुलाया नबी पाक दे यार हाजिर हो जाते ने। जे जिहाद वास्ते बुलाया तो नबी दे यार नंगे पैरों ही जिहाद वास्ते चल पैंदे ने। ए नहीं अल्लाह दे पैगंबर जुत्ती नहीं कपड़े नहीं रोटी खाण नू लभदी नहीं तलवारां ते सवारियां है नहीं तुसी आंदे हो जिहाद करो टुर पै नबी पाक दे नाल ते कफीयत पता कैसी प्यारी है। पैरों नंगे ते पेटों भुखे ते तन दे वाले लीराम नाल नबी दे नस दे जावल ते कारण जा शरीरा भुख लगे ता पत्र दरख्ता तोड़ शताबी खाम दे जिस दम सोने दा चेहरा वेंदे जिस दम सोने दा चेहरा वेंदे ते फाके याद ना रहंदे। नबी पाक दे यार हाफजे हदीस सैयदना अबू हरैरा कैदो रजी अल्लाह ताला अनहो नबी पाक दे सत्तर गरीब सहाबा दा तजकरा करदे ने। ओ सहाबा ने जड़े नबी पाक दे मदरसा मुहम्मदिया दे तालब इलम ने कुरान पढ़ रहे ने हदीस सिख रहे ने। नबी पाक दा यार अबू हरैरा आंदा है ओ सत्तर सहाबा कोल एक जोड़ा भी पूरा नहीं
इको इको चादर है, उन्हां कोल जोड़ा भी नहीं है, वो चादर इंज करके अपने जिसम ते लपेट लैंदे ने, गर्दन ते गंडा मार लैंदे ने, वो चादर टखणियां गोडियां तक आंदी है, एक हाथ नाल थलों चादर नूं पगड़िया ते दूजी गंढ मारी है। लेकिन इन हालात दे अंदर भी नबी पाक दे सहाबा इन्नी गुरबत दे बावजूद अल्लाह दा कुरान पढ़ रहे ने, नबी पाक दा फरमान याद कर रहे ने। अज असी तो परेशान हो जाने ना, थोड़ी जी गरीबी आए, एक दिन ना एक ही 70 साहबा मेरे मुस्तफा को आए, आके ये नहीं क्या अल्लाह दे पैगंबर जी साढ़े वास्ते दुआ करो अल्लाह माल दे दे। आंदे ने सोने वो तुहाडे यार वो वफादार जिन्हां नूं अल्लाह ने माल दिता है ना, वो रब दे राह च खर्च करके नेकी अंदर साढ़े तो अगे वध जांदे ने। लिहाजा अल्लाह दे पैगंबर साढ़े कोल तां माल ही नहीं ते असी फिर नेकी तो पिछे रह जांगे। आका फरमांदे ने साहबा तुसी नमाज तो बाद तस्बीहात पढ़िया करो। की पढ़िया करो? तस्बीहात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़िया करो। तुसा भी पढ़िया करो, ये नहीं कि दूजे पासे सलाम बाद च ते जुत्ती पहले बंदा पा लै, उन्हें अजकार की करने ने, तस्बीहात की पढ़नी है? तस्बीहात पढ़िया करो। नबी दे यारा ने इन्हां गरीबा ने तस्बीहात पढ़नी शुरू कर दिती, जदों अमीर सहाबा नूं पता लगदा उन्हें भी पढ़नी शुरू कर दिती। नबी पाक दे गरीब सहाबा फिर मेरे मुस्तफा दे कोल आए, अल्लाह दे पाक पैगंबर ये तो वह भी पढ़न लग पै ने, असी फिर पिछे रह गए। नबी पाक मुस्करा के फरमांदे ने फाजल मिन अल्लाह व नेमा। ऐ मेरे साहबा जिन्हां नूं अल्लाह ने माल दिता है रब दा फजल है, इंदे बारे मैं कुछ भी कर सकदा? बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकदा, ये अल्लाह दी तकसीम है। तो भाइयो मैं जड़ी बात असरी चाहना, इन्हां गुरबत दे अंदर नबी दे साहबा नेकियां करम तो सिराब नहीं होए, रज्जे नहीं और दीन तो पिछे नहीं हटे। साडा की हाल है, तंगी आ जाए, फाका आ जाए, चार दिन कारोबार ना चले, कोई बीमारी आ जाए, असी जिक्र तो भी गए, नमाजा तो भी गए और अल्लाह दी अहकामात मनन तो भी गए, मायूसी दे घड़े बन के बह जाने हैं। और गरीब बंदा अगर इनू कोई आफर मिल जाए ना किसी चीज़ दी, ए हराम ते हलाल दी तमीज़ नहीं करेगा, इन्हें कहना आना चाहिए किस तरीके नाल भी आए, हराम आए तो हलाल आए तो इल्ला माशाअल्लाह को ऐसा होए। लेकिन नबी दे यार गुरबत बड़ी है, तंगी बड़ी है, हराम चीज़ लैनी तो दूर दी बात है, उन्दे वाल तकना भी गवारा नहीं कीता, उन्दे वाल देखना भी गवारा नहीं कीता। तुसी कहना दलील, नबी पाक दा परवाना नाम है अब्दुल्ला बिन उमर, कह दो रजी अल्लाह ताला अनहु, ए ना एक दिन साथी नाल ने ते चलदे चलदे पहाड़ दी चोटी ते चले जांदे ने, पहाड़ दी चोटी ते चढ़े की वेंदे ने, एक नबी पाक दा गरीब साहबी दरख्त दे छावे बैठा, बकरियां चार रहा, नबी पाक दा परवाना अब्दुल्ला बिन उमर, इन्हें दोपहर का टाइम खाने का टाइम है, दस्तरखान बछाया, खाना खान लगे ने, साथी भी नाल बह गए, आवाज देंदे ने, ओ बकरियां दे चरावे खाने का टाइम है, आ साडे नाल बह के खाना खा लै, ये बकरियां चारन वाला पता की आंदा? अब्दुल्ला बिन उमर तुसी खा लवो मैं रोजेदार, तुसी खा लो मैं रोजेदार हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर बड़े हैरान होए, दोपहर का टाइम, गर्मी की शिद्दत, पहाड़ी इलाका, पहाड़ की चोटी, तो रोजे तो रोजिया का महीना ही नहीं, वो अल्लाह दे बंदिया तू केड़ा रोजा रखे? आंदा अब्दुल्ला बिन उमर मैं जिंदगी दे इन्हां दिनां अंदर नफली रोजे रख के आखरत की तैयारी कर रहा वा, मैं आखरत की तैयारी कर रहा। अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा बंदा बड़ा नेक है, मुतकी है, परहेजगार है, मैं इंदा इम्तिहान लवा, तो गुस्सा ना करे जे कारी साहब, जो इम्तिहान होंदा बड़े बड़े हाजी फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े नमाजी मुतकी
तहज्जुद गुज़ार फेल हो जांदे ने, आंदे ने मैं इम्तिहान तां लवां, कहण लगे ओ लादिया बंदिया इंज कर आ बकरियां दा इज्जत तेरे कोल है, इन्हां विचों एक बकरी मैनू दे दे, मैं तेनू इंदे बदले नूती का सामान कीमत अदा कर देना, बच्चियां दे कपड़े ले लई, जरूरतां पूरियां कर लई, वा नूती का मिन लहमीहा, ते बकरी नू ज़िबा करके तेनू गोशत भी देंगा, रात अफतारी गोशत नाल कर लई, ते ए नबी दा परवाना पता की आंदा, इन्ना हा लई सतली बेगाना में वा इन्ना हा गाना मो सैयदे, अब्दुल्ला बिन उमरे बकरियां मेरिया नहीं, मैं ता नौकर ते गुलाम आ, मैं किसे होर दियां बकरियां चारना वा, मैं ता मजदूरी लेना, अब्दुल्ला बिन उमर आंदे ने ओ अल्लाह दे बंदे आ, ओ तेरा मालक, ओ इन्ने इज्जत अंदर ओनू की पता एक बकरी घट गई है, जे पता लग भी जाए ते निका जिहा जुमला कह दईए, फा आकाला हुज़ेबो, ओनू भेड़िया खा गया, तेनू ओने की कहना, जदों ये बकरियां दे चरावे ने सुनिया ते लोगों मेरे वाल देखे, हजे नबी पाक दा परवाना गरीब बंदा जेड़ा इन आसमान वाल नगाह उठा ली, उंगली उठा के आंदा, अब्दुल्ला बिन उमर मैनू एक बाप का जवाब तो दे, मेरा मालक ते नहीं देख रहा, पर मैनू ए दसना ऐन अल्लाह, अज तेनू मैनू ऑफर मिल जाए, हाँ गौर करना, साडा तो ईमान इन्ना पक्का है, जुआ पढ़नाइए नमाज पढ़नाइए जुतियां चौके लै जाने, हैं ओ अल्लाह दे बंदे, इधरों नमाज पढ़ के जा रहे हैं, रस्ते च 100 रुपया डिगा वो उत्ते पैर रख लेने, गौर करे आज साडा ईमान इन्ना पक्का है, लेकिन इधर नबी पाक दा परवाना आंदा, ओ अल्लाह दे बंदे अब्दुल्ला बिन उमर मेरा अल्लाह देख रहा है, कौन देख रहा है, उची बोलो कौन देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की कसम ऐसा ईमान मजबूत हो जाए, मेरा रब देख रहा है, ईमान नाल दसो बंदा कोई बुराई करेगा, बोलो कोई गुनाह करेगा, नहीं, इन्हें क्या मेरा अल्लाह देख रहा है, अब्दुल्ला बिन उमर ते इन्ना असर होया, उथे ही पढ़न लग पै, ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह, ये चरावे ने बात बड़ी किड्डी प्यारी कीती है, घर आंदे ने फिर पढ़ी जांदे ने, रात दा टाइम होया देखना, जो अल्लाह ते ईमान होए, तवक्कल होए, भरोसा होए, बंदा नेक होए, ते हलाल खाना चाहता होए, फिर देखना अल्लाह फजल किन्ना करदा, गौर फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर रात दा टाइम है, ये बकरियां लेके आंदा है, इंदे मालक कोल जांदे ने, इनू खरीद के आजाद कर देंदे ने, ते सारियां बकरियां उस मालक कोलों खरीद के ये बकरियां दे चरावे नू तोहफे अंदर दे छड़दे ने, एक नहीं दित्ती अल्लाह ने, किन्नियां दित्तियां ने, असल साडा ईमान मजबूत नहीं, असं आने नहीं, जे आराम ना खादा तो पैसे आने ही को नहीं, जे दगा ना लाया तो गल बलनी को नहीं, जे गाहक नाल धोखा ना किया तो कारोबार च बरकत पैनी को नहीं, ना ईमान मजबूत हो जाए तो फिर बरकत बरकत रहमत ही रहमत ने, और आओ इधर अमीर साहबा ने गौर फरमाया, जे नबी पाक का परवाना, अज तेरे को दौलत आ जाए, माल आ जाए, पैसे आ जाए, कारोबार आ जाए, तेरी गर्दन नहीं मुड़दी, गर्दन अंदर सरिया आ जांदा है, अपने नू अपना नहीं समझदा, भैणा नू भैणा नहीं समझदा, भरावां नू भरा नहीं समझदा, रिश्तेदारां नू रिश्तेदार नहीं समझदा, ये गरीब भैण भरा आ जाए तो रस्ता ही बदल जांदा है, मेरे कोल पैसा किते सवाल ना कर ले, ए नबी पाक दे परवाने, अल्लाह ने माल दिता ते ओ दिता माल अल्लाह दी राह च खर्च करके अमली जामिया पहनाया, अल्लाह ये माल दिता भी तू है, तेरे राह च खर्च करके अल्लाह तेरा कुरब हासिल करना चाहते हैं, दिता भी तू है, तेरे राह च खर्च कर रहे हैं, आ देखो नबी पाक दा परवाना है, अब्दुर रहमान बिन औफ कह दो रजी अल्लाह तआला अनु, अल्लाह ने माल बढ़ा दिता है, अफतारी रोजा रखे है, बेटा इब्राहिम आंदा है, मैं ना अपने अबू जान वास्ते दस्तरखान लाया, अफतारी का टाइम है, फल रखे, खजूर दुध और मजीद चीज़ा
मैं दस्तरखान ते रख दितियां, अफतारी दा टाइम करीब हो गया, मेरे अब्बा जान अब्दुल रहमान बिन औफ दस्तरखान ते बैठे ते उन्हां नेमतां नूं वेख के मेरे अब्बे जान दियां अखां च आंसू आ गए, रोन लग पै। नाल की आंदे ने, ऐ बेटा इब्राहिम साढ़े नालों मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु ताला अनहो बड़ा ही चंगा रहा कि वह जदों शहीद होया उन्दे कफन वास्ते इको ही चादर है, अगर सिर ते दिती जांदी है ते पैर नंगे हो जांदे ने, अगर पैरां ते दिती जांदी है ते सिर नंगा हो जांदा। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा इन्दे सिर ते कपड़ा पा दियो, वो लोगो कौन मसबे नू मैर ने इस्लाम लियान तो पहले इन्ना दौलतमंद बंदा है जिहड़ा एक वार जोड़ा पा लैंदा है जिंदगी च वारी नहीं आंदी, जिहड़ी खुशबू ला के गुजरदा है जिस महल्ले चो गुजर जांदा है गली चो गुजर जांदे ने लोग खुशबू तो पहचान लैंदे ने मसबे नू मैर नू जवान गुजर के गया अज शहीद होए ने कलमा पढ़िया नबी दी दीन दी खातर कुर्बानी दिती है इको चादर कफन वास्ते सिर ते पाई जांदी है पैर नंगे हो जांदे ने। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने मेरे सहाबा इंदे सिर ते चादर पा दियो, पैरां ते घा पा के इनू कबर अंदर दफन कर दियो। ते अब्दुल रहमान बिन औफ आंदे ने अज इन्नी नेमतां दी फरवानी है बेटा मैनू ते इंज लगदा जिमें अल्लाह साड़िया नेकिया का बदला इन्हों नेमत अंदर ही सानू दे रहा है, अगे कुछ नहीं मिलेगा। इन्नी बात की सुमा जा अब की हता तारा कत्ता आम दस्तरखान छड़ दें देने आंदे ने बेटा मैं सादा पानी नाल नाले रोई जांदे ने, मैं सादा पानी नाल रोजा अफतार कर लांगा। आ जिन्निया नेमतां दस्तरखान ते पईयां ने एक गरीबां च तकसीम कर दे मेरा रब राजी हो जाएगा। दस्तरखान ते नेमतां देख के भी उन्हां दे दिल अल्लाह दे रसूल वल मुतवज्जे रहिंदे ने, गुस्सा ना करे आजे बड़े बड़े खाने बड़िया बड़िया नेमतां फरवानियां 24 घंटे। और कई लोग शादी आला अंदर होटलों च जाके किन्ने किन्ने किस्म के खाने खा के ना ना खान लगे बिस्मिल्ला पढ़ते ने, ना खाने तो बाद अलहमदुल्ला पढ़ते ने, ते आंदे की ने बाहर निकल के फलां चीज चंगी नहीं, फलां दा टेस्ट अच्छा नहीं, फला चीज च मसाला बहुता पै गया, ना अल्लाह दा शुक्र ही नहीं। तरह तरह दिया नेमतां खा के ओ तेनू स्वाद किवें आंदा, ना तू खान लगे अल्लाह दा नाम लिया, ना खान तो बाद अल्लाह दा शुक्र अदा कीता है, मजा तेनू किवें आंदा। लेकिन नबी पाक दे परवान ने नेमतां देख के अल्लाह दा शुक्र अल्लाह दी फिकर और फिर हर हाल दे अंदर गरीबी अमीरी अंदर इन्हां दे दिल धड़कदे ने ते अल्लाह दे रसूल दे वल धड़कदे ने। फिर मैं प्यार नाल इत्थे एक बात कह जा, मैं कहा लोगो सहाबा दी अजमत सनावन सवाबे, सवाब है के कोई ना बोलो। कई लोग साहबा की गुस्ताखी कर रहे हैं, साडा हक बनता ना साहबा की अजमत बयान करिए, उन्हां दे कारनामे उन्हां दा ईमान इस्तकामत उन्हां दियां शहादतां ईमान वास्ते कुर्बानियां पेश करिए। चलो असी उन्हां कोलो बदला लैन जोगे नहीं, कल क्यामत वाले दिन अल्लाह की अदालत च कह सकने अल्लाह लोग तेरे पैगंबर दे यारां दे गुस्ताखी करते सन, अल्लाह सोहणिया असी तेरे साहबा की शान सुनते भी सां सुनांदे भी सां, उन्हां दा दिफा करदे सा। सहाबा दी अजमत सनावन सवाबे, गुलामे सहाबा सदावन सवाबे, मुहम्मद दे यारां दियां जुतियां दे थले अखां ते पलकां बछावन सवाबे, सहाबा दी इज्जत ते अजमत
दी खातर। वो इंतजामिया मस्जिद दी ते शाह साहब तुहाडे वास्ते जुमला कहन लगा, सहाबा दे इज्जत ते अजमत दी खातर महफल ते जलसे करावन सवाबे, शरीयत दे अंदर नहीं चुप दा रोजा सहाबा दे नारे लगावन सवाबे। और भाइयो बात लम्मी ना हो जाए, मैं तेनों नबी पाक दे सहाबा दा तजकरा सुनावा ते बात मुकावा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा कुरान ऐलान फरमा लिया, वाला किन अल्लाह हब्बाबा इलै कोमल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। नबी पाक दे सहाबा आओ लोगो, ईमान बंदे दा जिन्ना भी पक्का होए मजबूत होए मौतो हयाती दी कशमकश होए ए बंदे दा दिल जेड़ा ए अपनी आल औलाद वल बीवी वल बच्चे वल ते अपनी जायदाद दे वल हुंदा। लेकिन सहाबा तुहाडी अजमत तो सदके जावा लख वार जान कुर्बान कर देवा, सहाबा दे ईमान किन्ने पक्के ने दिल किन्ना मजबूत है। मेरे मुस्तफा दे सहाबा मौतों हयाती दी कशमकश अंदर भी उन्हां दे दिल धड़कदे ने ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत अंदर धड़क रहे ने। तुसी कहना दलील ओदा मैदान है, नबी दे परवाने कुर्बानियां पेश कर रहे ने, शहादतां हो रही ने। थोड़ी जी सहाबा की सुस्ती की वजह तो फतह शिकस्त अंदर बदल गई, सहाबा ने शहादतां पेश कीतियां। मेरे मुस्तफा जंग तो फारग होए, मेरे मुस्तफा नू ना नबी पाक दा एक यार एक परवाना एक दीवाना साद बिन रबी कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहो नज़र ना आए, ना जख्मिया अंदर ते ना शहीदा अंदर ते ना ही दूसरे लोगों के अंदर। मेरे मुस्तफा फरमाते ने जैद बिन साबत कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहो जाओ साद बिन रबी दा पता करो, वो अगर मिल जाए जिंदा हालत अंदर ते ओनू जाके ना कहना की है फकराओ मिन्ने सलाम, फिर कहो सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनोगे ईमान ही ताज़ा हो जाएगा, फकराओ मिन्ने सलाम व कुल्लो लहू या कुलो या रसूल अल्लाह व कैफा ताजिदों का ए ज़ैद, जे मेरा परवाना जिंदा मिल जाए ते उनू जाके मैं मुहम्मद दा सलाम आखी। कहो सुभान अल्लाह, उन्दे मुकद्दरां दे क्या कहने जिन्हों नबी पाक सलाम कह रहे हैं। हैं इत्थे कारी साहब कोई चौधरी MNA MPA तुहाडे नाल सलाम करे, तुसी महल्ले च चौड़े होके चलदे हो। अगर शाह साहब कोई किसी बंदे नाल वजीरे आजम वजीरे आला मुसाफा लै लै उनका मक्कू आने चौंक च तस्वीर लग जाएगी कि मेरे नाल फलां ऐ फलां चौधरी ने फलां वजीरे आजम फलां वजीरे आला ने मुसाफा लिया, उन्होंने मुकद्दरां दे क्या कहने जिन्हों आमना का लाल सलाम कह रहा है, जिन्हों नबी पाक सलाम कह रहा ने मेरा सलाम दे ही, ते नाल पूछी कैफा ताजिदू का तेरा हाल की है तेरी तबीयत कैसी है। नबी पाक दा परवाना जैद बिन साबत रजी अल्लाह ताला अनहो तलाश कर दे एक पहाड़ दी नुकरे जांदे ने की वेंदे ने साद बिन रबी जख्मा नाल चूरे खून बह रहा, खून दे फवारे चल रहे ने बड़ा शदीद खून निकल रहा, 70 मोटे मोटे तलवारां ते तीरां दे जख्म लगे ने, कोई कोई साबा की है ते हजरत ज़ैद जल्दी नाल जाके आंदे ने, ओ साद तेनू दो जहाना दा सरदार नबी सलाम कह रहा है।
तेनू नबी पाक सलाम कह रहे ने ते नाल आका पुछदे ने तेरी तबीयत कैसी, तेरा हाल कैसा है। मेरे तुहाडे वर्गा हुंदा आंदा मर गया, खत्म हो गया, बड़ी तकलीफ है, बड़ी दर्द है, बड़ा खून बह गया है, बड़े हालात खराब ने। नबी पाक दा परवाना आंदा जैद मेरे मुस्तफा नू जाके दसी तुहाडा साध कह रहा है अल्लाह दे महबूब पैगंबर जेड़े तुसा वादे कीते सन अल्लाह दी तरफों खुश खबरियां सुनाईयां सन अज तुहाडा साध जख्मां दी हालत दे अंदर खून बहन दी हालत दे अंदर आजी दूरी हल जन्ना अल्लाह दी जन्नत दी खुशबू पा रहा है, रब दी जन्नत दी खुशबू पा रहा है। क्यों ना पांदा शहीद इंदे खून दा कतरा जमीन ते बाद च डिगदा अल्लाह जन्नत दी सैर पहले ही करा छड्दे ने। ते जदों शहादत बंदा देंदा ना कुरबानियां शहादत फिर अल्लाह पाक फतूहात अता फरमाते ने करते ने ना अल्लाह फतूहात देंदे ने, काफर जलील हो जाते ने, अल्लाह पाक फतह ते नुसरत अता कर देंदे ने। अफगानिस्तान तुसी देखिया नहीं, अमरीका आया 48 मुल्क दे इतादी लैके 60 लाख फौज लैके टेक्नोलॉजी ते असला लैके, लेकिन मुसलमाना ने तकवा इख्तियार करके और फिर शहादत कुरबानियां पेश करके जिहाद किया। अल्लाह पाक ने इन सारे तादियां नू जलील कर दिता ते फतह किन्नू मिली है, बोलो अफगानिस्तान नू मिली ना। ये अफगानिस्तान दी फतह नहीं, ये अल्लाह दी तौफीक नाल इस्लाम दी फतह है। किंदी फतह है? इस्लाम दी। और इंदे पिछे बड़ियां खुशखबरियां ने इंशाल्लाह, ये अमरीका ने जाना ते इंशाल्लाह कश्मीर भी आजाद, बोलो होना है इंशाल्लाह। ते कश्मीर तो बाद फिर वारी किंदी है पता है ना तुहानू, इंशाल्लाह वारी आनी है। लेकिन मैं बात लंबी नहीं करनी चाहता, गौर फरमाना। आंदे ने नबी पाक नू कहना मैं जन्नत दी खुशबू पा रहा, ते एक होर आंदे ने जैद मेरी कौम नू मेरा पैगाम दे आ जे। वो पैगाम केड़ा है? जैद मेरी कौम नू कहना अगर तुहाडी जिंदगी अंदर कोई काफर नबी पाक दी तोहीन कर गया, तुसी उंदा मुकाबला ना कीता, उंदे कोलो बदला ना लिया, कल कियामत वाले दिन तुसी रब दे दरबार च जवाब नहीं दे सकोगे, अल्लाह दे दरबार च जवाब नहीं दे सकोगे। मैं भी सोचा, तुसी भी सोचो, अज अगर साड़ी मौजूदगी अंदर कोई काफर नबी पाक दी तोहीन करे, कोई सलाम ते हमला करे, अल्लाह दे दीन ते हमला करे, कोई खत्मे नबूवत ते हमला करे, असी उन्हां कोलों बदला ना लईए ते ना कुरबानियां शहादतां पेश करिए, फिर रब दे दरबार च असी भी जवाब नहीं दे सकांगे। ओ भाईओ, अज दौर अंदर इस्लाम ते हमले ने, दीन ते हमले ने, इस्लामी तालीमात ते वार कीते जा रहे ने, और किते अनकारे हदीस दा फितना, किते अनकारे सुन्नत दा फितना, किते दीन ते हमले ने, किते पैगंबर दी बेहुरमती, किते कुरान दी बेहुरमती है, किते इस्लाम ते हमले कीते जा रहे ने। इन हालात अंदर मेरा तुहाडा हक की बनता है, जिम्मेदारी की है कि आओ लोगो मदारस नू आबाद करो, अपने बच्चों बच्चियां नू दीन दी तलीम दिलवाओ, आप कुरान दी तलावत करो, तर्जमा पढ़ो, तफसीर पढ़ो, दीन वास्ते निकलो और माल जान वक्त दी कुर्बानी पेश करो। इंशाअल्लाह अगर जदों घर घर दे विचों दीने इस्लाम पढ़न वाला, इस्लाम पढ़न वाला, कुरान पढ़न वाला, तर्जमा पढ़न वाला, हदीस पढ़न वाला घर घर दे विचों आलमे दीन बच्चा निकलेगा, फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया ते सदावां बुलंद होणगियां ते काला काला रसूलुल्लाह दियां बुलंद होणगियां, अल्लाह दे कुरान दियां बुलंद होणगियां। फिर ये गुस्ताखियां करन वाले इंशाअल्लाह मिट जाणगे, परेशान हो जाणगे। हर घर दे विचों जदों मुजाहिद निकलेगा, दीन दा दाई निकलेगा, मुबल्लग निकलेगा, फिर इंशाअल्लाह कोई भी इस्लाम ते हमला करन दी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर असां ये जिम्मेदारी ना निभाई तो रब दे दरबार च असीं भी जवाब नहीं दे सकांगे। मुस्तफा दे परवाने मेरे
पैगंबर दे दीवाने देखो और मर्द ते मर्द ने औरतां भी मेरे मुस्तफा वास्ते किन्नी मुहब्बत रख दियां ने। उन्हां दा दिल धड़कदा अल्लाह उन्दे रसूल दी मुहब्बत अंदर धड़कदा। आ एक बीबी है ते इंदा बेटे भाई खावद शहीद कर दिते गए ने ते पता लगदा नबी पाक अलैहि सलाम नू शहीद कर दिता गया है। जा रही है रस्ते च पुछदी है आंदी लोगो दसो पाक पैगंबर दा की हाल है। किसी ने दसिया अल्लाह दे महबूब बड़े बेहतरीन तंदुरुस्त ने लेकिन तेरे बेटे शहीद कर दिते गए ने, फला हो गया, कोई परेशान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अगे जा रही है। मेरे मुस्तफा दा चेहरा पाक देखिया, मुखड़ा पाक देखिया, नबी पाक नू तंदुरुस्त देखिया ते पता की आंदी है कुल मुसीबतें बादा का जाला लो कुल्लो मुसीबतें बादा का जाला लो। अल्लाह दे महबूब पैगंबर तुसी खरीयत नाल जे तुसी ठीक जे ते मैं तुहाडा चेहरा देखिया अल्लाह ने सारे दुखी दूर फरमा छड़े ने, सारे दुखी दूर हो गए ने। ते किवें आंदी है खबर शहादत पाक नबी दी ते जिस दम सुनिया माई लक बन पटका पकड़ डंगोरी बदला लैन नबी दा आई राजम दे उस बीबी ताई दो लाशा नजरी आईया कैन लगी केड़ी मां किस्मत वाली जिन्ने मुरादा पाईया किसे के आ माई ए बचड़े नी तेरे जिन्ना शहादत पाई ए माई के आ अलहम्दुलिल्लाह ते हो गया फजल इलाही कैसी कड़ी है सी किस्मत वाली जिदो मैं सी ए जाए अल्लाह दिते ते मैं सन पाले अज कम नबी दे आए क्यों ना कहंदी रब कुरान अंदर कह रहा ने वालाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह नबी पाक दे सहाबा दी तरह हर हाल अंदर तंगी होए ता गरीबी होए ता अमीरी होए ता फाके होन ता तंग दस्ती बीमारी आए ता हर हाल अंदर अल्लाह पाक सानू साडे दिलां दा रुख अल्लाह उंदे रसूल वाल करम दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक दे सहाबा दी तरह हराम तो बच के हलाल खान दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जैसे भी हालात होन अल्लाह पाक अपना जिक्र कुरान दी तलावत नमाज और हर हाल दे अंदर अल्लाह पाक सानू दीन नाल मुनसलिक रहम दी तौफीक अता फरमाए। हालात जैसे भी होन अल्लाह पाक दीन गलबा इस्लाम वास्ते सानू साथियां दे नाल कदम नाल कदम मिला के चलन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।